गाजा में जहां हमास के लड़ाके इजरायली सेना को अपने हमलों से दहला रहे हैं, वहीं उत्तरी फ्रंट पर इजराइल इराक और सीरिया के प्रतिरोधियों के हमलों का सामना कर रहा है। उत्तरी इजराइल का हाइफा और इलत शहर इराक और सीरिया से हो रहे हमलों से दहल रहा है, और इससे पहले भी प्रतिरोधियों द्वारा दागे गए कई ड्रोन्स और मिसाइलें इस इलाके में गिरे हैं, जिससे इसराइल को काफी नुकसान भी हुआ है। दरअसल अब इराक के प्रतिरोधी समूह ने ऐलान किया है कि उसने 9 जुलाई 2024 को इसराइल के कब्जे वाले इलत यानी उमल रशरश में इसराइल के एक अहम ठिकाने पर बड़ा हमला किया है। प्रतिरोधी समूह का कहना है कि ये हमला एकदम सीधा और सटीक रहा है। दरअसल प्रतिरोधी समूह ने ये हमला यमन के हूती के साथ मिलकर किया है, जिसको लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी का कहना है कि इराकी प्रतिरोधी समूह के साथ मिलकर एक संयुक्त हमला इलत के एक अहम टारगेट पर किया गया, और इस हमले में कई ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है जिन्होंने अपने टारगेट को हासिल किया। और इराकी प्रतिरोधी समूह का कहना है कि वो हूती के साथ मिलकर इसराइल पर हमले करना जारी रखेगा। हालांकि ये कोई पहला हमला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी प्रतिरोधी समूह और हूती ने हाइफा पर एक क्रूज मिसाइल से हमला किया था। इस हमले को लेकर हूती के प्रवक्ता याया सारी ने भी एक बड़ा बयान दिया है। نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية بعون الله تعالى عملية عسكرية مشتركة استهدفت هدفا حيويا في أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله إن القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية إسنادا وانتصارا للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. लेकिन इस सब के बीच दूसरी तरफ इजरायली सेना ने उत्तरी पश्चिमी वेस्ट बैंक के तुलकारम में नूर शाम्स रिफ्यूजी कैंप में एक बहुत बड़ी छापेमारी की है, और इसको लेकर लेबनानी न्यूज एजेंसी अल मयादीन का कहना है कि इजरायली सेना ने इस इलाके में नई फौज तैनात की है, और ये सैनिक फिलिस्तीनियों के घरों पर फायरिंग कर रहे हैं। वहीं तुलकारम ब्रिगेड और अलकुज ब्रिगेड ने मिलकर इजरायली सेना के एक सैन्य वाहन के नीचे आईईडी विस्फोट बिछाकर उसे उड़ा दिया। इसके अलावा अलकुज और तुलकारम ब्रिगेड ने यहां पर भारी गोलीबारी भी की है। इस हमले को लेकर अलकुज ब्रिगेड का कहना है कि उसने आईडीएफ के D9 टाइप सैन्य बुलडोजर को आईईडी से उड़ा दिया। बड़ी बात यह है कि इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पहले तो गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है और उसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और आईडीएफ के इन हमलों की वजह से नूर कैंप में बत्ती गुल हो गई है। वहीं अनाथवा कस्बे में भी आईडीएफ ने एक छापेमारी की है, लेकिन इन छापेमारी के दौरान आईडीएफ की फिलिस्तीनी लड़ाकों से मुठभेड़ भी हुई है।